Hello children, in this video we will do strings in Python. Now what are strings? Python strings are sequence of characters enclosed or surrounded by quotes of any type, right? They can be single quotation mark, double quotation mark and triple quotation mark. ओके सो पाइथन स्ट्रिंग क्या है? पाइथन स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है ओके और उसके अंदर करेक्टर्स आप किसी भी टाइप के करेक्टर्स ले सकते हो. आप अल्फाबेट्स ले सकते हो, नंबर ले सकते हो, स्पेशल करेक्टर्स ले सकते हो ओके. लेकिन इसकी क्या पहचान है? जो भी करेक्टर आप क्वोटेशन मार्क के अंदर ले रहे हो ठीक है, और क्वोटेशन मार्क कैसे भी हो सकते हैं, सिंगल क्वोटेशन मार्क, डबल क्वोटेशन मार्क और ट्रिपल क्वोटेशन मार्क ओके, दैट विल बिकम स्ट्रिंग. फाइन, जैसे आप एक एग्जाम्पल लो, यहाँ पे मैंने लिखा ए. फाइन, यहाँ पे ए लिखा तो ये क्या है? सिंगल क्वोटेशन मार्क में मैंने ए लिखा तो ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा स्ट्रिंग. फाइन, ये बन गया हमारा स्ट्रिंग ओके. यहाँ पे स्ट्रिंग में कितने करेक्टर है? यहाँ पे सिर्फ एक करेक्टर है ओके, एक करेक्टर है. फाइन, अगर मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज आई एम राइटिंग हेयर टू ओके, टू किससे किसके अंदर है? डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर है ओके. टू इज एनक्लोज्ड इन डबल क्वोटेशन मार्क, तो यहाँ पे टू हमारा क्या बन गया? स्ट्रिंग बन गया. फाइन, टू हमारा क्या बन गया है? स्ट्रिंग बन गया है. फाइन, ऐसे ही आप ट्रिपल क्वोटेशन मार्क लेते हो. ट्रिपल क्वोटेशन मार्क में अगर आप कुछ भी लिखते हो, जैसे आपने यहाँ पे लिखा कोई भी आप यहाँ पे ले लो पी वाई टी एच ओ एन ठीक है, मैंने यहाँ पे पाइथन लिखा और ट्रिपल क्वोटेशन मार्क लगा दिए, तो ये हमारा क्या बन गया? स्ट्रिंग है. फाइन ओके, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे. पाइथन ट्रीट सिंगल कोट्स द सेम एज डबल कोट्स. अब वो क्या कह रहा है कि जब हम सिंगल कोट्स का यूज करते हैं, डबल कोट्स का यूज करते हैं, दोनों क्या है? सेम है. फाइन, आप स्ट्रिंग बनाने के लिए सिंगल कोट्स का भी यूज कर सकते हो, आप डबल कोट्स का भी यूज कर सकते हो राइट. ट्रिपल कोट्स आर टिपिकली यूज्ड फॉर स्ट्रिंग्स दैट स्पेन मल्टीपल लाइंस. ट्रिपल कोट्स का हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहां पे हमें ऐसी स्ट्रिंग लिखनी है जो मल्टीपल लाइंस को ऑक्यूपाई कर रही है, मतलब ऐसी स्ट्रिंग जो एक से ज्यादा लाइन में आ रही है ठीक है. एक लाइन में वो पूरी कंप्लीट नहीं हो रही है, वो एक से ज्यादा लाइन को कवर कर रही है. फाइन, तो वहां पे हम किस चीज का यूज कर देते हैं? वहां पे हम ट्रिपल क्वोटेशन मार्क का यूज कर देते हैं. फाइन, अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, एक स्ट्रिंग लिया है हमने पाइथन प्रोग्रामिंग ओके राइट ओके. नाउ नेक्स्ट वी हैव एन एम्प्टी स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग दैट हैज जीरो करेक्टर. अब एक स्ट्रिंग क्या होती है हमारे पास? एम्प्टी स्ट्रिंग भी होती है. फाइन, और एम्प्टी स्ट्रिंग को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? सिंपल, हमने क्या दिया? क्वोटेशन मार्क दे दिए, सिंगल क्वोटेशन मार्क, डबल क्वोटेशन मार्क, जो भी देना चाहते हो आप दे दो ओके. बट उसके अंदर क्या है? कोई भी डेटा नहीं है, कोई भी करेक्टर नहीं है, तो ये कौन सी स्ट्रिंग होगी? दिस इज एम्प्टी स्ट्रिंग ओके. दिस इज एम्प्टी स्ट्रिंग ओके. एंड एम्प्टी स्ट्रिंग इज द स्ट्रिंग दैट हैज जीरो करेक्टर, इट इज जस्ट अ पेयर ऑफ क्वोटेशन मार्क ओके. ये क्या है? सिर्फ एक पेयर है क्वोटेशन मार्क का ओके. बट इट विल बी कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग ही कंसीडर होगा. कौन सी स्ट्रिंग? एम्प्टी स्ट्रिंग राइट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पाइथन स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल. इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है? पाइथन स्ट्रिंग क्या है? इम्यूटेबल है राइट. इम्यूटेबल मीन्स दैट कैन नॉट बी चेंज, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता. फाइन ओके, किसी भी आप जैसे आपका कोई भी स्ट्रिंग है, आप उसके करेक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते राइट. वो चेंज नहीं होगा राइट. द स्ट्रिंग्स आर सिक्वेंस ऑफ करेक्टर. ये हम लोग जानते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है, करेक्टर का सिक्वेंस होता है. वेयर ईच करेक्टर हैज अ यूनिक पोजिशन दैट इज इंडेक्स ओके. जैसे हमने एरेज वगैरह में भी किया है, तो क्या है स्ट्रिंग में भी क्या है? जो करेक्टर्स होते हैं उनकी क्या होती है? पोजिशन होती है, यूनिक पोजिशन होती है, जिसे हम इंडेक्स बोलते हैं. फाइन, इंडेक्सेस ऑफ ए स्ट्रिंग बिगिन फ्रॉम जीरो टू लेंथ माइनस वन. फाइन, तो जब हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जीरो से इंडेक्स, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, लेंथ माइनस वन. इसकी लेंथ क्या है वैसे? 11 है ओके, क्योंकि इसमें कितने हैं? 11 करेक्टर्स हैं ओके. तो यहाँ पे 11 माइनस 1 10, तो यहाँ पे आ गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो इंडेक्सिंग हो रही है. ऐसे ही आप बैकवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्सिंग करते हो, बैकवर्ड डायरेक्शन माइनस 1 से स्टार्ट होती है टिल द लेंथ ठीक है, 11 माइनस 11 तक आया ठीक है. तो जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्सिंग करते हैं तो आपकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4 लाइक दिस. एंड जब आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग करते हैं तो आपकी नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है जो माइनस 1 से स्टार्ट होती है राइट. माइनस 1 से पीछे से जो आप इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हो,
ओके -1 -2 -3 लाइक दिस राइट। ओके नाउ आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे हेलो ठीक है स्पेस दिया। अब स्पेस क्या है, दिस इज आल्सो अ करेक्टर। ओके ये भी एक करेक्टर कंसीडर होगा, स्पेस करेक्टर फाइन। तो यहाँ पे इसकी भी एक इंडेक्स वैल्यू है 5, पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यू है 5 और नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू है 6 -6 राइट। अब यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल दिया, पाइथन लिखा हुआ है, अगर उसकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग करें तो पी की इंडेक्स वैल्यू क्या है 0, देन वाई 1 लाइक दिस। और हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग करें तो यहाँ पे एन क्या, एन की वैल्यू है आपका इंडेक्स वैल्यू है -1, देन ओ की इंडेक्स वैल्यू है -2। तो अगर आपको पी को एक्सेस करना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इसको 0 इंडेक्सिंग की हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हैं, -6 इंडेक्सिंग की हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हैं राइट। तो इंडेक्सिंग बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं, हम पर्टिकुलर उसके कैरेक्टर्स को एक्सेस करने के लिए, किसी भी सीक्वेंस के आइटम्स को, वैल्यूज को, एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं इंडेक्सिंग राइट। तो यहाँ पे हम उसको पॉजिटिव इंडेक्सिंग की हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग की हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हैं। नाउ वी हैव क्रिएटिंग और डिक्लेयरिंग स्ट्रिंग राइट। हम स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। वी कैन क्रिएट अ स्ट्रिंग बाय सिंपली एनक्लोजिंग कैरेक्टर्स इन कोट्स। क्या कह रहा है कि हम अगर किसी भी कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को या एक सिंगल कैरेक्टर को कोट्स से एनक्लोज कर देते हैं, मतलब कोट्स के अंदर जिसको डाल देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो स्ट्रिंग बन जाता है। और क्वोटेशन मैंने मार्क्स आपको बताए, चाहे सिंगल क्वोटेशन मार्क हो, डबल क्वोटेशन मार्क हो या ट्रिपल क्वोटेशन मार्क हो ठीक है। अब एक सिंपल यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग बनाया str1। अब हेलो वर्ल्ड को हमने क्या किया, डबल क्वोटेशन मार्क से एनक्लोज कर दिया ठीक है, उसके आगे पीछे डबल क्वोटेशन मार्क बना दी। तो हेलो वर्ल्ड हमारा क्या बन गया, एक स्ट्रिंग बन गया फाइन। और ये कहाँ पे जाके स्टोर हो गया, str1 वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया है फाइन। ऐसे ही हमने एक और स्ट्रिंग बनाया str2 पाइथन प्रोग्रामिंग जो str2 वेरिएबल में जाके स्टोर हुआ है। अगर आप देखो str1 वेरिएबल को प्रिंट कराते हो तो आपकी स्ट्रिंग वैल्यू आ गई हेलो वर्ल्ड फाइन, str2 प्रिंट कराते हो तो आपकी स्ट्रिंग वैल्यू आ गई पाइथन प्रोग्रामिंग। सो इट इज वेरी सिंपल, इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ स्ट्रिंग यू जस्ट हैव टू एनक्लोज द करेक्टर, सिक्वेंस ऑफ करेक्टर विद इन कोट्स, एंड कोट्स कैन बी सिंगल डबल और ट्रिपल कोट्स राइट। नाउ पाइथन डज नॉट सपोर्ट अ करेक्टर टाइप। अब देखो जैसे हमारा सी में होता है C++ में होता है कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, कैर डेटा टाइप होता है, यहाँ पे पाइथन में कैर डेटा टाइप नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। दीज आर ट्रीटेड एज स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 1 फाइन। जब यहाँ पे आप सिंगल कैरेक्टर लेते हो तो वो स्ट्रिंग ही कंसीडर होती है और उसकी लेंथ क्या होती है 1। आप सिंगल जब अल्फाबेट ले रहे हो तो वो क्या है, वो करेक्ट, वो कैर डेटा टाइप कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि पाइथन में कैर डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप होता ही नहीं है, इसमें सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है और स्ट्रिंग डेटा टाइप ही कंसिडर होगा। लेकिन कौन सी स्ट्रिंग, जिसकी क्या है लेंथ 1, जैसे यहाँ पे ए है, बी है, सी है, ये क्या है, ये तीन स्ट्रिंग है ठीक है, और इन तीनों स्ट्रिंग की लेंथ क्या है 1। वी कैन क्रिएट मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूजिंग ट्रिपल कोट्स। अगर आपको मल्टी लाइन मतलब एक से ज्यादा लाइन में स्ट्रिंग का क्या करना है, क्रिएट लिखनी है स्ट्रिंग वैल्यू को, तो आप क्या करोगे, ट्रिपल कोट्स का यूज करोगे फाइन। यहाँ सिंगल ट्रिपल कोट्स भी हो सकते हैं या डबल ट्रिपल कोट्स भी हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया स्ट्रिंग, दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग एग्जाम्पल। अब देखो इसको हमने क्या किया, 1 2 3, ये 3 लाइंस में हमने स्ट्रिंग को लिखा है और किस में एनक्लोज किया है, जो आपका ट्रिपल कोट्स है ट्रिपल कोट्स में, सिंगल ट्रिपल कोट्स में हमने इसको एनक्लोज किया। अब जब आप इसको प्रिंट कराओगे एसटीआर को, तो यहाँ पे देखो आपका मल्टीपल लाइन में स्ट्रिंग आया है तो वी कैन क्रिएट मल्टी मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूजिंग ट्रिपल कोट्स। ऐसे ही आपने ट्रिपल कोट्स, डबल ट्रिपल कोट्स का यूज किया है, डबल वाले जो होते हैं। दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग एग्जाम्पल, और जब इसको प्रिंट कराया तो आपका ये 3 लाइन्स में आ गया। तो जहां पे आपको मल्टीपल लाइन्स में स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है वहां पे आप ट्रिपल कोट्स का यूज करोगे, मीन्स उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आप ट्रिपल कोट्स में एनक्लोज करोगे राइट, उसको ट्रिपल कोट्स में डालोगे। नाउ वी हैव द एम्प्टी स्ट्रिंग।
जो मैंने अभी आपको बताया था एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होती. फाइन, एन एम्प्टी स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग विच डज नॉट होल्ड एनी वैल्यू, जो कोई भी वैल्यू होल्ड नहीं करता है. देयरफॉर व्हेन वी प्रिंट इन एम्प्टी स्ट्रिंग, अ ब्लैंक स्पेस गेट्स डिस्प्लेड इन द नेक्स्ट लाइन. ओके, अब यहाँ पे देखो, आपने एसटीआर को कंसिडर कर दिया है एम्प्टी स्ट्रिंग, आपने एसटीआर के अंदर क्या डाल दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग को डाल दिया. ओके, जब आप एसटीआर को प्रिंट करोगे तो क्या आ गया, यहाँ पे आपके पास ब्लैंक लाइन आ गई है. ओके, ब्लैंक लाइन, इस लाइन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है. ऐसे ही आपने यहाँ पे दूसरा वेरिएबल लिया है, उसको भी आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे कोट्स लिए हैं. ओके, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपने इसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाया है. फाइन, ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है. अब जब आप प्रिंट कराओगे एसटीआर को, तो आप क्या देखोगे, ब्लैंक लाइन आएगी. ओके, इट विल नॉट शो एनी वैल्यू बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी वैल्यू. इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो कोई वैल्यू शो नहीं होगी, एम्प्टी लाइन अपियर होगी. ओके, अभी मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग वैल्यू होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. आप उसको एनक्लोज करोगे सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में, ट्रिपल कोट्स में. ओके, बट अगर आप चाहते हो कि स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, एक स्ट्रिंग के अंदर भी आप डबल कोट्स का यूज करो या सिंगल कोट्स का यूज करो, तो आप कैसे करोगे, राइट? उसको करने का क्या तरीका है? सो वी कैन सी, वी कैन इंसर्ट डबल कोट्स एंड सिंगल कोट्स इनसाइड अ स्ट्रिंग बाय यूजिंग बैक स्लैश करेक्टर. अब ये क्या कह रहा है, अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, विद इन द स्ट्रिंग आपको क्या डालना है, डबल कोट्स का यूज करना है या सिंगल कोट्स का यूज करना है, तो आप किसकी हेल्प से इसको यूज कर सकते हो, बाय यूजिंग द बैक स्लैश करेक्टर. ओके, तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ली है, राइट एसे ऑन माई कंट्री ब्रीफली. अब यहाँ पे जो माई कंट्री है, वो मुझे डबल कोट्स में चाहिए. फाइन, तो मैंने क्या किया, इस क्वोटेशन मार्क को स्टार्ट करने से पहले बैक स्लैश लगा दिया. फाइन, फिर अगेन मैंने क्या किया, दूसरे क्वोटेशन मार्क को स्टार्ट करने से पहले बैक स्लैश लगा दिया. ओके, तो कोट्स लगाने से पहले आपने क्या किया, बैक स्लैश को लगाया है. फाइन, अब देखो, जब आप एसटीआर को प्रिंट करोगे, तो आपका क्या आया, राइट एसे ऑन माई कंट्री आ गया डबल कोट्स में. ये स्ट्रिंग है हमारी. ओके, और स्ट्रिंग के अंदर पर्टिकुलर हमने क्या किया, हमने कोट्स का यूज किया, डबल कोट्स का, ब्रीफली. फाइन, ऐसे ही आप एक और एग्जांपल ले लो, एसटीआर 1, दिस इज रोहन्स नोटबुक. मुझे रोहन्स नोटबुक लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये चाहिए, आपको सिंगल कोट चाहिए, अपोस्ट्रॉफी एस चाहिए आपको, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, आपने इस अपोस्ट्रॉफी से पहले लगा दिया बैक स्लैश. ओके, और यू कैन से आपने सिंगल कोट से पहले लगा दिया बैक स्लैश. फाइन, अब जब आप इसको प्रिंट करोगे, तो देखो ये अपीयर करे, दिस इज रोहन्स नोटबुक. फाइन, तो यहाँ पे देखो आपका सिंगल जो कोटेशन मार्क है वो आ गया है. फाइन, तो अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स या सिंगल कोट का यूज करना है, तो आप उसको यूज करने से पहले क्या यूज करोगे, बैक स्लैश करेक्टर का यूज करोगे. ओके, अगर नहीं करोगे तो आपकी या तो एरर आएगी. ओके, राइट, तो आपको क्या करना है, बैक स्लैश करेक्टर का यूज करना है. फाइन, नाउ इफ यू वॉन्ट टू डिस्प्ले द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग इन नेक्स्ट लाइन, देन यूज ऑफ एस्केप सिक्वेंस स्लैश एन बिकम्स मैंडेटरी. नाउ इट इज वॉट इट इज टेलिंग, अगर आप चाहते हो कि आपकी स्ट्रिंग का, मतलब आपने जो स्ट्रिंग लिखी है, उसका कुछ पार्ट नेक्स्ट लाइन में जाए या उसका फिर नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट लाइन में जाए, तो आपको किसका यूज करना है, आपको स्लैश एन एस्केप सिक्वेंस का यूज करना है. फाइन, ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में हमने स्ट्रिंग लिया है, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, इतना पार्ट फर्स्ट लाइन में, देन मैंने लगा दिया स्लैश एन, राइट. स्लैश एन लगाने के बाद जो भी स्ट्रिंग लिखूंगी वो मेरा नेक्स्ट लाइन में जाएगा, वी आर डूइंग स्ट्रिंग्स. फाइन, अब देखो, जब आप इसको प्रिंट कराते हो, प्रिंट एसटीआर, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, फिर उसके बाद मेरा स्लैश एन आया, तो स्लैश एन ने क्या किया, इट विल टेक द पॉइंटर टू द नेक्स्ट लाइन, तो जो हमारा नेक्स्ट बाकी की स्ट्रिंग है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुई है, राइट, वी आर डूइंग स्ट्रिंग. अगर मैं यहाँ पे भी स्लैश एन लगा के कुछ लिखती, तो क्या होता, वो भी फिर उसकी थर्ड लाइन में आ जाती, तो हमारा वो थर्ड लाइन में अपियर होता. फाइन, वी कैन ऑल्सो यूज एस्केप सिक्वेंस टैब टू टेबुलेट द आउटपुट. अगर हमें अपने आउटपुट में टैब का यूज करना है, ओके, टैब किस लिए यूज होता है, स्पेस प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है. ओके, तो आप क्या करोगे, स्लैश टी का यूज करोगे, जो हमारी एक एस्केप सिक्वेंस है. फाइन, अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर स्पेस पे आपका स्ट्रिंग
क्या हो, डिस्प्ले हो। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमने str1 लिया, नेम, नेम को लिखा, उसके बाद आपने टैब लगा दिया, ओके, देन स्लैश टी लगा दिया, ओके, देन आपने क्लास लिखा, देन आपने एस्केप सीक्वेंस का यूज किया, स्लैश टी एंड देन सेक्शन। आपने एक और स्ट्रिंग लिया, प्रिया लिखा, ओके, स्लैश टी, देन 11, देन स्लैश टी, देन ए, ओके। व्हेन यू विल प्रिंट str1, जब आप str1 को प्रिंट करोगे तो देखो नेम है, उसके बाद क्या है, स्पेस आया। कितना स्पेस आता है, जितना हम टैब की को प्रेस करते हो उतना स्पेस आता है, उतना ही आपका स्लैश टी की हेल्प से आप स्पेस प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। देन क्लास स्पेस एंड देन सेक्शन, फाइन। ऐसे ही प्रिंट str आपने 2 किया, प्रिया स्पेस, देन 11 स्पेस, देन ए, फाइन, ओके। तो अगर आपको क्या करना है, टेबुलेट करना है अपने आउटपुट को, मतलब स्पेस प्रोवाइड कर करके करना है अपने आउटपुट को, तो आप स्लैश टी का यूज कर सकते हो, फाइन। इफ अ कमांड इज लॉन्ग देन इट कैन बी शिफ्टेड टू द नेक्स्ट लाइन बाय टाइपिंग स्लैश, बट इट शोज द रिजल्ट इन द सेम लाइन। अगर आप कोई स्ट्रिंग लिख रहे हो, ओके, आप स्ट्रिंग, यू आर राइटिंग सम स्ट्रिंग, और वो क्या है, बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स में आप उसको राइट कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट लाइन्स में उसको लिखने से पहले स्लैश का यूज करना है, राइट, बैक स्लैश का आपको यूज करना है, ओके, लेकिन जब आप उसको प्रिंट करोगे तो क्या होगा, आपका आउटपुट सेम लाइन के अंदर ही आएगा, फाइन। आपका आउटपुट कहाँ आएगा, सेम लाइन के अंदर ही आएगा, ओके, फाइन। तो यहाँ पे आप अगर करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, स्लैश का यूज करना है, ओके, सो दैट इफ योर राइट, इफ योर स्ट्रिंग इज लॉन्ग एंड यू वॉन्ट टू राइट इन इन डिफरेंट लाइन्स, ओके, सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट लाइन यू शुड मेक यूज ऑफ द स्लैश, फाइन। ओके, नाउ चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो वी हैव डन व्हाट इज स्ट्रिंग, ओके, एंड हाउ वी कैन क्रिएट अ स्ट्रिंग, राइट, एंड व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस दैट वी कैन यूज अलोंग विद द स्ट्रिंग, ओके, सो नाउ वी विल मीट इन आर नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द स्ट्रिंग।